अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो हमने गज़नवी डायनेस्टी के बारे में पढ़ना है। और जैसा कि आपको सामने ये नज़र आया कि गज़नवी डायनेस्टी जो है ये अपने ओरिजिन से पर्शियन है, यानी ईरानी ओरिजिन है। और ये टर्किश ममलूक्स जो हैं, क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि सुल्तान अलप्तगीन और उसका दामाद सुबुक्तगीन, जो कि सुल्तान महमूद गज़नवी का बाप था, ही वॉज़ द फादर ऑफ द आपके सुल्तान महमूद गज़नवी, दे वर द टर्किश ममलूक, दे वर टर्क्स एंड दे बिलोंग टू तुर्किस्तान। इट्स नॉट रिलेटेड टू टर्की टुडे बिकॉज टर्की इज़ कॉल्ड एशिया माइनर। और ये जो है ये तुर्किस्तान से जो है वो इनका ताल्लुक़ होता था। इसके बाद जो है आपको डिटेल्स इफ़ यू गो लुक एट दिस यू विल अंडरस्टैंड दैट इस दिस डायनेस्टी हैड लार्जर पार्ट ऑफ ईरान, अफगानिस्तान एंड ट्रांजोनिया एंड इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। एंड दिस डायनेस्टी फ्लरिश्ड फ्रॉम 1977 टू 1186 AD। दिस डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाय सुबुक्तगीन अपॉन हिज सक्सेशन टू द रूल एंड द रीजन ऑफ गजना आफ्टर द डेथ ऑफ अलप्तगीन आफ्टर हिज फादर इन लॉ। यानी अलप्तगीन जो है वो फादर इन लॉ था और सुबुक्तगीन जो है वो उसका सन इन लॉ था। ही वॉज बेसिकली एन एक्स जनरल ऑफ समानिद एम्पायर। अलप्तगीन जो है ही डिड नॉट सक्सीड द थ्रोन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि अलप्तगीन डिड नॉट सक्सीड द थ्रोन, ही रोज टू द पार। और ये चीज़ जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है बिकॉज व्हेन यू सक्सीड द थ्रोन यू आर अ पार्ट ऑफ द फैमिली, बट व्हेन यू राइज टू द पावर देन इट इज अपॉन योर विल, इट इज अपॉन योर आप कह लें कि आपकी जो भी, इट इज बेसिकली डिपेंडेंट ऑन द अचीवमेंट्स ऑफ पर्सनल एफर्ट्स एंड इन आपका जो इंटरेस्ट लेवल है उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। और दिस डायनेस्टी बेसिक दे ऑल्दो दिस डायनेस्टी वॉज सेंट्रल एशियन इन ओरिजिन, इट वॉज थ्रू थरली पर्शनाइज इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज, कल्चर, लिटरेचर एंड हैबिट्स। व्हाट इट मीन्स दैट बेसिकली व्हेन वी टॉक अबाउट द डायनेस्टी गजनवी डायनेस्टी, इट वॉज वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्शियन कल्चर बिकॉज इट अडॉप्टेड पर्शियन लैंग्वेज। इट वॉज अ डायनेस्टी विच मेक्स द पर्शियन लिटरेचर फ्लरिश्ड, पर्शियन लिटरेचर फ्लरिश्ड इन देयर ईरा एंड ऑल द हैबिट्स विच वर अडॉप्टेड, ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस विच वर अडॉप्टेड इन दिस डायनेस्टी वर पर्शियन इन ओरिजिन एंड हैंस इट इज रिगार्डेड एज अ पर्शियन डायनेस्टी। यानी तारीखदान जो हैं वो ये कहते हैं कि ये एक पर्शियन डायनेस्टी है। सुबुक्तगीन सन महमूद ऑफ गजनी डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस फ्रॉम द समानिद एम्पायर एंड एक्सपेंडेड द गजनवीद एम्पायर टू अमू दरिया एंड इंडस रिवर एंड द इंडियन ओशन इन द ईस्ट एंड रेव टू हमदार इन द वेस्ट। यानी मगरिब में रे और हमदान और ईस्टर्न साइड के ऊपर जो है वो दरियाए सिंध के किनारे तक जो है वो महमूद गजनवी ने इसकी सरहदें जो हैं वो फैला दी। महमूद गजनवी के बाद उसका बेटा सुल्तान मसूद जो है वो तख्त नशीन हुआ, बट आफ्टर द डेथ ऑफ सुल्तान महमूद गजनवी सुल्तान मसूद डिड नॉट गेट द एम्पायर इंटैक्ट एंड दैट एम्पायर स्टार्टेड लूजिंग इट्स सेंट्रल अथॉरिटी and it did not flourish as it flourished in the reign of Sultan Mahmud Ghaznavi.